अंकल कभी चलान कटा है आपका? ज्यादा से ज्यादा 20,000 का। 20,000 का है? ऐसे क्या पुलिस वाले की मार दिए क्या? सही पकड़े हैं। आ जाइए इधर आ भाई, स्टार्ट हो गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप सभी के सब एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी ना टाइम हो रहा सुबह के 9, और काफी टाइम बाद यार दिल्ली में आके व्लॉग बना रहे हैं। और वैसे हमारे साथ दो सेठ लोग भी आए हैं, अभी दिखा दो। और वैसे ना अभी तक क्या रहता था, मैं अकेला व्लॉग बनाता इधर उधर घूमता था, बट आज अपने दोस्तों के साथ आए और काफी मजा आने वाला है। इनको कुछ गाड़ी वाड़ी का सामान लेना है, गाड़ी का सामान लेना है ना। ये दो सेठ लोग यार हमारे, हमको भाई हम तो खाने आए हैं, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। तभी 9 बज गए और देखते हैं बाहर शॉप खुली हुई है कि नहीं खुली हुई है, क्योंकि देखेंगे अगर शॉप खुली हुई है तो हम पहले सामान लेंगे, अगर बंद होगी ना तो हम सबसे पहले यहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे। तो अभी स्टेशन के बाहर चलते हैं फटाफट। भाई हमारे आगे एक बंदा चल रहा है जिसने ना गाड़ी लिया यार, कार लिया यार, पहली बार हमारे किसी फ्रेंड सर्कल में ना महिंद्रा TUV भी लिया। और सवेरे 5 बजे फोन कर रहा, कह रहा चल भाई दिल्ली, चल दिल्ली। भाई साहब 5 बजे अचानक से कौन दिल्ली जाएगा भाई, मैं फिर भी दिल्ली आया 5 बजे उठ के यहाँ पे। जब पता है तेरे को मार्केट यहाँ पे 10-11 बजे खुलती है, तो 5 बजे उठाने का क्या मतलब है तेरा भाई? सस्ता, अबे सस्ता तो मान के तूने गाड़ी ले ली है, क्यों भाई है? भाई इसी गाड़ी ऐसे नहीं मिली, जो सरफ नहीं बेचना आते गली में उसमें निकली ऐसी गाड़ी गलती से। तो उसे मॉडिफाई करवा रहा है। कभी देखते हैं मार्केट में आ गया, जो शॉप खुली है तो ठीक है सामान ले लेंगे यार, बाकी अभी शॉप खुली हो ना तो बढ़िया है, वरना फिर अपना घूम फिर के आराम से घूमेंगे। अगर शॉप ना खुली होगा ना तो शाम को दोबारा आना पड़ेगा। तुम्हें जंगली जानवर दिखाएंगे, शेर चीता, बड़ा मैं भी चिड़ियाघर जाएंगे और इसके कुछ रिश्तेदार है वहाँ पे, सांप शेर चीते वगैरह मिल के आएंगे। ये उन्हें कोथली दे के आएगा गाइस, मामा ये लगा के आऊंगा। 9:30 बजे रहे, पूरी मार्केट ना अभी बंद है, ये देखो यार बिल्कुल कुछ भी नहीं खुला। तो अभी हम वेट कर रहे हैं 10 बजे के आसपास में भी दुकान खुलेगी। अभी हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं, अभी आगे चल के बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ बस यार, तुम रुको जरा, सबर करो। ये देखो गाइस कहाँ जा रहे हैं, सवेरे सवेरे चलते हैं भाई साहब, कुछ फ्रेश व्रेश होके चला करो। ये गटर जाम करने आए दिल्ली में गाइस, देखो ये देखो भाई साहब ये हाल है इनका यार। ये तू भी जा भाई कैमरे के आगे जा, ये प्रेशर ज्यादा गाइस, बैग उठा के नहीं हो पाएगा काम। तो भाई प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले हमारा प्लान था कुछ सामान लेने का, बट भाई मुझे पता था मार्केट खुलनी नहीं है। ये बहू जी नहीं, पहले सामान लेंगे, सामान 9:30 बजे शॉप खुल जाएगी इसके लिए यहाँ पे दिल्ली में। बाकी देखते हैं आकाश, बाकी लग तू खतरनाक रहा, तू भी चला ले ऑटो, चलाना हो तो चलाऊंगा भाई आगे से, आते हुए मैं चलाऊंगा अभी नहीं। अंकल कभी चलान कटा है आपका? ज्यादा से ज्यादा 20,000 का। 20,000 का है? ऐसे क्या पुलिस वाले की मार दिए थे क्या? सही पकड़े हैं। तो भाई चिड़ियाघर के बाहर पहुंच गया, और मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था ना तब यहाँ पे ऑफलाइन टिकटें बड़े आराम से मिल रही थी, बट अभी का सीन पता क्या है, यहाँ पे सारी ऑनलाइन टिकटें मिल रही है। मतलब वेबसाइट पे जाओ या फिर कोई ऐप डाउनलोड करो तो ना यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है ना उनकी टिकट 40 रुपये है, और हमारी जो नॉर्मल एज के बंदे हैं उसकी 80 रुपये टिकट है, अगर कोई बच्चा वगैरह तो उसकी भी 40 टिकट है। और हमने काफ़ी सारा खाने का सामान ले लिया, सोचा चलो अंदर जाके खाएंगे, पता लगा यार अंदर खाने का सामान भी नहीं लेके जा सकते। और ये देखो भाई थोड़ा तो वेट कर लो यार, मैं यहाँ वीडियो बना रहा था, हम यहाँ पहली जा रहे हैं फटाफट खाने पीने का सामान है। ये देखो ये भाई पेटीज, बढ़िया पेटीज है, नाम नाम के भाई ये पेटीज, फ्री का तो बढ़िया ही लगता है। एक चीज और भाई, ये जो जू है ना शुक्रवार के दिन बंद रहता है, और हमें पता नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ना, अगर शुक्रवार ही होता ना हमारी तो बैंड बजाती। और एक चीज और यार, ये कुरकुरे का पैकेट था 15 रुपये का, कब से हो गया? मैं तो लास्ट टाइम खाया था भाई, मैं तो 10 रुपये का ही खाता था, अब 15 का हो गया, 5 रुपये से ऊपर नहीं खाता। टेस्ट भी थोड़ा अलग सा ही हो गया इसका, वाकई बढ़िया कुरकुरे। चलो फटाफट खाते हैं, अंदर फटाफट भागते हैं, दिखाते हैं लाला को सांप सूप, रिश्तेदार दिखाते हैं लाला के हैं, क्यों लाला। अरे वाह अंदर कितनी हरियाली है यार, मजा आ गया भाई अंदर तो। और सीध में देखो भाई, किसी भी प्रकार का शराब सिगरेट गुटखा तंबाकू कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है भाई, निकाल देना अपना तंबाकू तूने, नहीं शेर के आगे छोड़ देंगे तेरे को है। तो चलो भाई अंदर चलते हैं, पीछे वाला सभी रोगों की एक ही दवाई, चारों तरफ रखो साफ सफाई। यार ये साफ बनाने का क्या मतलब है भाई यहाँ पे, है लाला तेरा भाई बनाने का क्या मतलब है यहाँ पे?
मैं सिंगल बंदा भी बैठ सकता है इसमें? हाँ भाई सिंगल तो कर ले लूँगा। क्या चार्ज रहता है सिंगल का? 70 रुपीज़ पर पर्सन। सही है यार, 70 रुपीज़ पर पर्सन तो है ना, अपा चार है मतलब 280 हो गए। लाला फिर कार लिया यार, बिठा दे इसमें, झुला दे हमको। इसमें कितना टाइम लगता है इसमें घूमने में? पैदल तो 3 घंटे लगेंगे, पैदल 2 घंटे में आराम से घूम लोगे, हर स्टॉप पहुंचोगे, देखोगे कितना भी टाइम लगाओगे। फिर तो ठीक है, गाड़ी में बैठते रहो, हाथ में बैंड लगा देंगे। ओके ओके ओके, समझ गए। दिया घर के अंदर आ गया और स्टार्टिंग में यार हिरण वगैरह दिखाई दिए थे, वो तो यार मैं आपको क्या ही दिखाता हूँ, सीध में देखो यार, ये हमें एक नया ही जानवर दिखाई दिया, ये इसको बोलते हैं शेर पूछ बंदर। और लाला तेरे जैसा नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा है, तने भी काले कपड़े पा रखे और उसने भी काले, इससे तो स्मार्ट ही लग रहा है कहीं ना कहीं है। ये देख ले सकल भी तेरी मैच कर रही है, मतलब पहला तू है मानता है। और भाई बंदर देखो यार, ये ऐसा बंदर तो मैंने पहली बार ही देखा यार, नाम देखो यार शेर पूछ बंदर है। बाकी भाई लाला ये तो एक चीज तो है, तेरे से स्मार्ट है वो। ओ भाई ये कैसा पानी है नीम बोली वाला, मैं पिता शेर देख रहा है वो जा कर रहा है बेचारा, जा रहा जा रहा अपने घर, नाराज हो गया वो, खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हो गया ना अपने दो भाइयों को देख के हैं। सिखा के आना यार, बाहर से अंदर खाने का सामान लाने नहीं देते और अंदर सारी दुकानें बंद है ना बे, पानी भी यार ठंडा नहीं मिल रहा, पिज्जा भी हमारा ऐसे घूम रहा गर्म पानी लेके। ये देख साइड गया है, इसको क्या बोलते हैं, हिरन है ना, जूम कर भाई। हाँ इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्लैक बक, ब्लैक बक। और ये देख यार कैसे उनकी सींग देख यार कैसे लग रहे हैं, कितने बड़े बड़े से अजीब अजीब से, वो तो खा रहा है। ओ भाई साहब पेड़ भी यार कैसे टूटे फूटे पड़े हैं। अबे आकाश ये समझ ही नहीं आ रही, घास ऐसे नीचे रखी क्यों नहीं है, ऊपर क्यों लटका दी, जब इनको खानी तो आई तो नीचे रख दो। ये जंगल के जानवर है, पेड़ पौधे से खाते है। अच्छा बाकी सही है यार, पर गर्मी काफी हो रही है ना। पर भाई इन्हें देख भर रखा है, क्लास में नहीं भरते, एक बेंच में 3-3 बच्चे ऐसे बिठा रखा है, देखिए छोटे से पार्क में इतना थोड़ा क्राउड में रहते हैं सब, काफी है ना यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। और इसकी सींग देखो यार भाई साहब, सींग तो काफी अजीब से ही है। अभी हम आ गए गोर, और भाई ये एक तरीके की गाय है, और भाई ये ना दिन में 15 से लेके 18 घंटे तक खाती है यार, मानने वाली बात है, और विलुप्त प्रजाति तो है ये, दुनिया की सबसे बड़ी गाय है, सुनने की इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है लेकिन देखने की इसकी कमजोर क्षमता होती है। भाई साहब दिन में 15 से 18 घंटे खाती है गाय, देख रहे हैं 15 से 18 घंटे खाती है ये, मतलब ज्यादा नहीं खा पाएगी इस बार। और सीध में देखो गाय यार काफी हट्टी खट्टी सी है, कितनी खतरनाक है, जैसे जिम मारता हो डेली है ना। पीछे यहाँ पे क्या गेंडा है क्या दिखाई दे रहा है? बस भाई इधर फोटो में ही है, फोटो में दिखाई दे रहा है, तो भाई इधर भारतीय गेंडा है, गेंडा तो दिखाई नहीं दे रहा, उधर देख यार मोर ने अपने अरे उधर मोर देख कैसे फल अपने पंख फैला रखे है, कैमरे में पता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, और दिखाई दे रहा है देखो यार मोर ने देख कैसे पंख फैलाए हुए है, दिखाई दिया? हाँ वो रहा, पर अपने को तो गेंडा देखना यार, गेंडा तो दिखाई दे ही नहीं रहा, ये तो भाव नहीं दे रहा हमें। वो सीध में देखो यार भारतीय गेंडा कैसे यार पानी में पड़ा, अरे कितना बड़ा सा है, और सीध में अरे मोर बहुत सारे यार काफी बढ़िया से लग रहा है। लाला एक बात बता वैसे, हाँ लाला गेंडे ने तेरी छाती पे पैर रख दिया तो भाई गेंडा नहीं बच पाएगा, गेंडा नहीं बच पाएगा, वही तो कारण। और बाकी गेंडा देखो यार कैसे यार पड़ा हुआ बिल्कुल पानी में, हिल भी नहीं रहा बिल्कुल भी भाई। बाकी यार बाहर होता था यार काफी बढ़िया सा लगता, कितना बड़ा होगा सोच के देखो यार, काट रहा है सही क्या आदमी। और मोर को देखे यार सही सबसे ज्यादा बैठे, पंख फैला दे यार मोर, मजा नहीं आ जाएगा, लाला नाच के दिखाएगा तब फैलाएगा पंख ऐसे नहीं। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है अपना भारतीय गैंडा, और इसका यार वेट देखो 1600 केजी से लेकर 2700 केजी तक हो सकता है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड देखो 50 किलोमीटर पर आवर तब भी भाग सकता है, इतना भारी भरकम हो गया। और इसकी लाइफ 30 से 40 साल तक होती है, बट अपनी किस्मत नहीं यार पानी में पड़ा हुआ यार, कहाँ से बाहर होता ना तो मजा आता, देखते यार कितना देखने में कितना बड़ा सा लगता होगा, बट अभी यार गर्मी है दिल्ली में काफ़ी और इसलिए पानी में पड़ा हुआ, तो चलो कोई नहीं आप आगे की तरफ चलते अब। और ये सीधे में हमारी सफेद मोर यार, ये तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा है भाई साहब, तुमने देखा है पहले कभी? भाई ये यूनिक है एकदम भाई, ये सफेद मोर, पर सिर्फ पंख नहीं है, थोड़े मुर्गे जैसा लग रहा है। ये मुर्गी लाला तो पैक कराने की सोच रहा था इसको, है लाला। बाकी सफेद मोर देखो यार, ये तो यार बढ़िया सा लग रहा है, पंख फैलाएगा तब कितना बढ़िया लगेगा, पंख नहीं है ये, थोड़े पंख है भाई है उधर देख फोटो में देख, मतलब ऐसे नहीं है जैसे मोर के होते हैं, ये थोड़े कबूतर वाले पंख है मुर्गो वाले। अच्छा अच्छा, इसका जोड़ा दो जोड़े घूम रहे हैं यहाँ पे, मैं वैसे पंख कह रहा हूँ जो ऊपर है देख कोने। अच्छा ऊपर वो देख, अरे यार वो वाले तो अलग ही बढ़िया लगते हैं ना, राष्ट्र ध्वज वाले। काला बिल्ला देख लिया कहाँ से?
क्या यार, एक काला बिल्ला भी परेशान हो रहा अपनी लाइफ से भाई, शेर नहीं दिख रहा कहीं दूर दूर तक, ज्यादा वीआईपी हो रहा है शेर। ढूंढो भाई शेर, उसे देखना है हमें इतनी दूर से। रशीद में हमारे यहाँ हिप्पोपोटामस, और देखो यार कैसे पानी में पड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है लाला जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई चट्टान पड़ी हो बड़ी सी, जग छलांग मार ले फिर वहां जा गए हैं, अभी थोड़ी देर में सांस लेने आएगा फिर देखते हैं। और भाई इसका ये देख, तेरे को पता है 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड भाग सकता है, देखो भाई साफ साफ लिखा है यहाँ पे, और वेट यार इसका 3200 किलो तक जा सकता है। हमें यानी रेस में हरा देगा। अच्छा रेस में हरा देगा हमको, फिर भी है भाई वो थोड़ा सा सांस लिया और ये देखो फिर जाने वाला है भाई साहब, ये देखो 5 मिनट की डुबकी मार देगा, ये लो अभी 5 मिनट बाद आएगा और हम भी चलते हैं, अब हम अगले साल आएंगे। लाला तू भी एक ऐसी फोटो खिंचवा ले बैठ के सड़क पे लेट के, हैं हो लाला, करूंगा तेरी भी क्लिक एक फोटो। अरे इसमें पानी में गया, इस पानी में भाई देखते हैं क्या है, क्या पाएगा। ये लो भैया अब आएगा मजा यार, सफेद बाघ, तेंदुआ, जैगुआर, अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था क्यों पीछे, अब आएगा मजा तो, और शेर इस साइड है, अभी आप पहले तेंदुए वगैरह देख के आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ शेर भी देख के आएंगे, जिसके लिए यार वो ना देखने को मिले यार फिर क्या ही मजा, क्यों भी भाई बिना शेर के अधूरा, ये जैसे बिना राम के रामायण, जैसे बिना शेर के जू आना भाई हाथी के। अच्छा मोड़ में जहाँ पानी वाली टंकी है, सीर में देखो भाई जैगुआर कैसे सोया पड़ा, अरे यार इसको उठाएं कैसे पाका से, ओए हेलो हेलो चिकन लाए तेरे लिए हेलो, भाई साहब ये ना उठ रहा बिल्कुल भी। अरे यार देखियो यार कितनी प्रोटेक्शन कर रखी है यार, ये कम से कम घासे तो कम से कम नहीं होनी चाहिए यार, बंदा ढंग से तो देख ले है ना भाई, गर्मी से बचेगा। बाकी जैगुआर देख यार क्या ही खतरनाक है, 10-12 कुत्ते को तो आराम से संभाल लेगा ये लाला जैसे, संभाल लेगा लाला तेरे 10-12 तेरे जैसे को। जैगुआर भी क्या ही करेगा उठ के, सोच रहा होगा रोज का काम है इनका, ये रोज आ जाएंगे, कोई छू करेगा कोई छिछी करेगा, एक लाला जैसा होगा कोई पत्थर मार देगा। सीध में देखो भाई हमारे बाघ सो रहा है, और ना अभी दोपहर के 1 बज रहा है, और क्या हो रहा है यार लगातार घूम रहे हैं जितने भी जानवर हैं यार, सोए पड़े हैं, दोपहर का टाइम है सही, सब खा पी के सब खा पी के भाई अपना सोए पड़े हैं। और ये वही जगह, एक बार ना दिल्ली में एक बंदा यहाँ पे कॉर्नर पे आकर ना सेल्फी ले रहा था, और भाई उसका पैर फिसल गया था और वो नीचे जाके पानी में गिर गया, और फिर तुमको पता ही है बाघ ने उसका क्या किया होगा भाई, बाघ ने उसका काम तमाम कर दिया था। बट ना क्या होता जब वो बंदा गिरा था ना, तो बाघ ने उस पर हमला नहीं किया था, जबकि उसके पास तो आ गया था, बट जो ऊपर लोग थे ना उन्होंने पत्थर वगैरह मारने चालू कर देते, तो ऐसे भाई बाघ को गुस्सा आ गया था और सीधा उसका काम खत्म कर दिया। तो भाई ऐसे रिस्क ना लिया करो, उसने सोच के देखा यार पीछे ये भी टाप दिया, यहाँ टाप क्या यार, मां सेल्फी लेने की क्या जरूरत है, ऐसे चूल्हे की लाइक की तेरे को भी चूल्हे, तो तू भी ले ले फोटो, मैं तेरी कर दूंगा क्लिक है ना भाई मैं। तो चलो भाई बात को सोने देते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। ये सीध में देखो भाई कैसे भारतीय अजगर है, कैसे लेटा पड़ा है, और यार वजन में देखो काफी तगड़ा और हट्टा खट्टा सा लग रहा है। बाकी यही जगह है पूरे चिड़ियाघर में ना जहाँ पे एसी लगा और काफी बढ़िया सा लग रहा है, ठंडक ठंडक, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। और ना यहाँ पे मैं मेन देखने आया था कोबरा वगैरह देखने आया था, ब्लैक मामा, कोबरा, एनाकोंडा भी देखने आया था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, खाली सिर्फ अजगर अजगर है और एक कोबरा भी है पीछे, बट यार वो बिल्कुल बच्चा सा है, छोटा सा ही है, तो उसमें तो कुछ खास मजा नहीं है। ये देखो भाई यहाँ पे एशियाई शेर देखने आए थे, और यहाँ पे शेर के नाम पर कुछ भी नहीं देखने को मिला, मतलब ये हमारी किस्मत यार, मेन तो हमें शेर ही देखना था, बट अभी शेर देखने को कहाँ मिल रहा है, सिर्फ यहीं पर शेर देख लो, इसकी फोटो देख लो, अभी चलते हैं यहाँ से। पिज्जे तेरे पास शेर आ जाए तो क्या करेगा है, नहीं यार अपने हाथ में कपड़ा बांध के उसके आगे कर लेना, तेरे हाथ पे काट लेगा, कुत्ते पे ट्रिक चलती है। तो भाई चिड़ियाघर घूम लिए, अब ना हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, और यार ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करें ना तो 3 घंटे तो लगे होंगे अपने को, है ना, तो 3 घंटे लग गए, बट यार मेन दिक्कत ये थी जो भी शेर था जो भी थे यार, ज्यादातर जानवर यार सोए पड़े थे यार, तो इतना मजा नहीं आया ऐसा ही से बताए तो अभी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी हाँ, तो अभी ऑटो में बैठे हैं यार, चारों जने बिल्कुल पीछे बैठे हैं, भैया कह रहे आगे नहीं बिठाऊंगा, चाहे पीछे बैठना बैठ जाओ, और आगे तो मैं नहीं बिठाने वाला, तो 30 रुपये पर सवारी थी, कह रहे 200 रुपये 200 रुपये, हमने कहा भाई 30 रुपये पर सवारी देंगे, लेने ले लो, नहीं तो भाई अपनी मेट्रो जिंदाबाद तो है ही। अभी जाते हैं वहाँ पे, कार वार का कुछ सामान है, भाई ने कार ले रखी है उसका सामान लेते हैं,
और फिर देखते हैं शाम की जो सी भी ट्रेन होती है उसमें चलते हैं। बाकी कैसा रहा एक्सपीरियंस रहा चिड़ियाघर में? भाई शेर देखने गया, शेर दिखाई नहीं, शेर देखने गया। तो चलो भाई अभी आपा सीधा मिलते हैं, आपा कार मार्केट है वहाँ पे कुछ सामान वगैरह लेते हैं। हे गाइस, तो अभी शाम के 7:30 बजे रहे और हमने पानीपत आ गया दिल्ली से, जो पीछे ट्रेन चल रही है ना इसी में आए थे और हमने मार्केट में सामान ले लिया था जो मेरे दोस्त को कार वार का लेना था जो भी था। तो ना ये सारी जो जितना भी हम दिल्ली गए थे सारा मेरा अनप्लान था, मेरा मतलब कोई प्लान नहीं था जाने का। उसका सवेरे सवेरे फोन आ गया तो मैंने चलो यार चलते ही है। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग सिंपल सा ऐसे कुछ था नहीं इसमें खास तो आपको बढ़िया लगा। अगर बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपसे मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय। वो पता नहीं कहाँ भागे मेरे को छोड़ के। तो चलो मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।